नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षी इस किचन में। आज मैं शेयर कर रही हूँ एक नमकीन की रेसिपी, जिसको आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं घर पर और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ये मक्के का पोहा। ये मक्के का पोहा मार्केट में इजीली मिल जाता है, किसी भी अच्छी पंसारी के दुकान पर आपको ये ईज़िली मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये 150 ग्राम मक्के का पोहा। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आज जो नमकीन हम बनाने वाले हैं, उसका मेन इंग्रेडिएंट यही है, मक्के के पोहे की हम नमकीन ही बनाने वाले हैं। और ले ली है मैंने यहाँ पर ये 50 ग्राम मूंगफली। अगर इसको आप कप से मेजर करें तो करीबन 1/4 कप मूंगफली मैंने यहाँ पर ले ली है। मूंगफली को हम शैलो फ्राई करके ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पैन में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मूंगफली और बिल्कुल लो हीट पर मूंगफली को हमें ऑयल में अच्छे से भूनना है। आप चाहे तो मूंगफली को फ्राई करके भी ले सकते हैं, पर मूंगफली फ्राई करते समय कई बार जल जाती है अंदर से और उसका टेस्ट एकदम कड़वा हो जाता है, इसलिए इस तरीके से मैं इसको शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। करीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे मूंगफली को इस तरीके से शैलो फ्राई करने में। अच्छे से क्रिस्प होने तक इसको आप फ्राई कर लें। जब तक मूंगफली हमारी रोस्ट हो रही है, तब तक हम बना लेते हैं एक मसाला। तो मैंने कटोरी में ले लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ले लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच ले लेंगे चाट मसाला, 1 चम्मच ले लिया है मैंने अमचूर पाउडर, थोड़ा सा ऐड करेंगे काला नमक और 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं इसमें सादा नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को आप पहले से ही बना के रख लें। तो ये देखिए, अब मूंगफली को मैं चेक कर रही हूँ, मूंगफली हमारी फ्राई हो गई अच्छे से। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अच्छे से मूंगफली हमारी क्रिस्प हो गई है। आप चाहे तो एक मूंगफली के दाने को ठंडा करके खा के भी देख सकते हैं कि अच्छे से वो क्रिस्प हुई है कि नहीं। सारी मूंगफली को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इस गरम गरम मूंगफली में मैं ऐड कर रही हूँ ये थोड़ा सा मसाला। गरम गरम में ही इसमें आप ऐड कर देंगे मसाला, तो मसाला इसके ऊपर चिपक जाएगा अच्छे से। और इस तरीके से मिक्स करके इसको हम साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर ले ली है थोड़ी सी करी लीव्स और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन हरी मिर्च और करी लीव्स को भी हमें शैलो फ्राई करना है। तो जिस पैन में मैंने मूंगफली फ्राई की थी उसमें मैं इसको डाल दूंगी और बिल्कुल स्लो हीट पे अच्छा क्रिस्प होने तक इसको मैं फ्राई कर लूंगी। मैंने यहाँ पर फ्रेश करी लीव्स ली है। अगर आपके पास सूखी हुई करी लीव्स या फिर सूखी हुई हरी मिर्च है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको लगातार चलाते हुए आप शैलो फ्राई कर लें। तो ये देखिए, करी लीव्स और हरी मिर्च मेरी अच्छे से क्रिस्प हो गई। अब नमकीन में ऐड करने के लिए मैं बना रही हूँ बूंदी। अगर आपके पास बूंदी पहले से ही रखी है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बूंदी बनाने के लिए 2 बड़ा चम्मच बेसन ले लिया है। मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच ऑयल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 पिंच नमक। सिर्फ 2 पिंच ही नमक मैंने इसमें ऐड किया है। आप बिना नमक के भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी। पहले थोड़ा सा ही पानी इसमें आप ऐड करें ताकि सारे लम्ब्स निकल जाएँ इसके अच्छे से। सिर्फ 2 बड़े चम्मच ही मैंने बेसन यहाँ पर लिया है। थोड़ी सी ही मैं बूंदी बना रही हूँ। अगर आपके पास खारी बूंदी रखी हुई है तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको बूंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लम्ब्स हटाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। अब इसका बैटर मैं बना लूँगी। हल्का पतला बैटर इसका हमें बनाना है। ये देखिए इस तरीके से बैटर बनाने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे ताकि बेसन हमारा एकदम फ्लफ़ी हो जाए और एकदम बूंदी हमारी फूली फूली बने। तो अच्छे से मैं इसको फेंट लेती हूँ। तो ये देखिए, खारी बूंदी का बैटर बनके मेरा तैयार हो गया, एकदम हल्का हो गया है बैटर फेंटने से। अब इसकी बूंदी बनाना हम शुरू करते हैं। बूंदी बनाने के लिए मैंने गैस पर ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। मीडियम हॉट ऑयल में इसको हम फ्राई कर लेंगे। इस तरीके का झारा ले लिया है मैंने। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी बूंदी का बैटर। ये देखिए, अपने आप ही बैटर इसके ऊपर टपक रहा है और बूंदी हमारी बनके तैयार हो रही है। मीडियम हॉट ऑयल में इसको आप फ्राई कर ले ताकि अच्छे से ये क्रिस्प हो जाए। जब ये अपने आप टपक जाए तो इस तरीके से हम चम्मच से इसके ऊपर एक बार चला देंगे ताकि बचा हुआ बैटर भी सारा इसमें से निकल जाए। इसी तरीके से सारी बूंदी मैं बनाकर तैयार कर लूँगी।
अब इसको इस तरीके से लगातार चलाते हुए अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि हर तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो जाए। मीडियम हॉट ऑयल में इसको आप फ्राई कर लें जब तक कि अच्छे से ये क्रिस्प ना हो जाए। तो ये देखिए बूंदी बनके मेरी तैयार हो गई, इसे मैं निकाल लेती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगता है बूंदी को बनाने में, बहुत जल्दी ये बन जाती है। और थोड़ी सी ही बूंदी इसमें हमें ऐड करनी है। सारी बूंदी निकालने के बाद इस गरम गरम बूंदी में ऐड कर देंगे हम मसाला जो हमने बना कर रखा है। आधा चम्मच मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम मक्के के पोहे को फ्राई करेंगे। तो पहले मैं एक पोहा डालकर चेक कर रही हूँ। मक्के के पोहे को आप फ्राई करके ही यूज़ कर सकते हैं, इसे आप शैलो फ्राई करके या फिर किसी और तरीके से इसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको फ्राई करके ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब एक बैच मैंने डाल दिया है इसमें फ्राई करने के लिए। इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से हर तरफ से आप फ्राई कर लें। मीडियम हॉट ऑयल में इसको आप फ्राई करें ताकि अच्छे से ये क्रिस्प हो जाए। तो ये देखिए एक बैच मेरा ही फ्राई हो गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। अच्छे से ऑयल सारा इसका निकाल देंगे और किसी बड़े बर्तन में इसको हम डालते जाएंगे। इसी तरीके से मैं एक बैच आपको और फ्राई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है इसको बनाने में, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसी तरीके से नमकीन मार्केट में भी मिलती है, पर घर की नमकीन बहुत ही बढ़िया बनती है। मार्केट में वो जले हुए तेल में ही बार बार फ्राई करते रहते हैं, और इस तरीके से आप घर में साफ़ सुथरे तरीके से नमकीन बना सकते हैं। तो ये एक बैच मेरा और फ्राई हो गया, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं बैचेस में इसको फ्राई कर लूँगी। अब इस गरम गरम पोहे में मैं ऐड कर दूँगी मसाला और इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं दूसरा बैच फ्राई कर लूँगी। दूसरा बैच फ्राई करने के बाद फिर से ऐड कर दूँगी मैं इसमें ये मसाला। इसी तरीके से आप फ्राई करते जाएं और इसमें मसाला ऐड करते जाएं। गरम गरम में ही मसाला इसमें आप ऐड करेंगे तो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा, नहीं तो मसाला नीचे बैठ जाता है और मिक्स बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये देखिए लास्ट बैच में मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये मसाला। कुछ भी आप फ्राई कर रहे हैं उसे फ्राई करते जाएं और मसाला उसमें आप ऐड करते जाएं। अब इसको इस तरीके से एक बार यहाँ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बूंदी जो हमने फ्राई करके रखी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मूंगफली। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करी लीव्स और हरी मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे बचा हुआ मसाला सारा ही इसमें ऐड कर दूंगी और फिर से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसको मिक्स करने से पहले आप अच्छे से हाथ धो लें, चाहे तब हाथों में ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो ये देखें एकदम बढ़िया सी नमकीन बनके हमारी घर पर तैयार हो गई। ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है इसको बनाने में, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इस नमकीन को ठंडा करने के बाद आप किसी एयरटाइट जार में स्टोर करके रख लें, महीने भर तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप इसे खा पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस नमकीन को आप चाहें तो खट्टा मीठा भी बना सकते हैं। खट्टा मीठा बनाने के लिए इसमें आप एक चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हैं, और जैसे हमने इसे मूंगफली ऐड की है रोस्ट करके वैसे इसमें आप काजू भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।